तो मैं ही था। मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्या तुमने मुझे थप्पड़ मारा? गलती से। आज के दिन पति को कौन थप्पड़ मारता है? आपकी गलती होगी तो मैं आपको थप्पड़ मारूंगी, और आपकी गलती होगी तो आप मुझे सॉरी बोलेंगे। सब माँ ने कहा था। उन्होंने कहा था? तेरी मम्मी की तो। छोड़ो, अब मैं तुमको कुछ नहीं बताऊंगा। प्लीज बताइए ना, प्लीज बताइए। एक बार और दो तो सुनाता हूँ। डैडी, आप रोज इतनी दारू क्यों पीते हो? बेटा, मैं तो तेरी मम्मी का गम भुलाने के लिए पीता हूँ। ओहो, इसकी कभी भी किसी को आदत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है डैडी। हे, मैं बस तेरा डैडी ही नहीं हूँ, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। ओके डैडी। तू अपनी हर बात को मुझसे शेयर करना, और तू कभी कोई भी बात अपने डैडी से मत छुपाना। ठीक है डैडी। गुड बॉय। देखा ना, इसका नाम राहुल है। ये अपने डैड और गिटार से बहुत प्यार करता है। देख, ये सोते समय भी गिटार नहीं छोड़ता। ये तो बहुत अच्छा लड़का लग रहा है। चिक चिकलेट, शॉक चॉकलेट, जैम जैकपॉट, टिट फॉर टैट, शूट एट साइट, स्वीट कॉकपिट। चिक चिक चिकलेट, शॉक शॉक चॉकलेट, जैम जैम जैकपॉट। अरे भाई, वो अपने रेंज से बाहर है यार, वो हाथ नहीं आएगी। अरे रेंज में नहीं तो क्या हुआ, हम उसे कैच कर सकते हैं। हम पैदाइशी अमीर नहीं है, लेकिन अगर कोई अमीर बाप की बेटी पट गई ना तो लाइफ सेट है। यही है इसका लॉजिक। इसका नाम राजा है, इसे मैं कॉलेज में मास राजा कह के बुलाता था। ये तो बड़ा इडियट है जी। किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पर। तुमको इन्हें देखकर डर लग रहा है क्या? ये मेरे पापा थे। अगर आप लोगों का बचपन इतना इंटरेस्टिंग है तो जवानी तो धमाली होगी। प्लीज बताइए ना, जवानी में क्या हुआ? आगे की कहानी अगले हफ्ते बताऊंगा। अभी तो मुझे तू सुहाग रात मनाने दे, चल, वरना तेरी गोद सूख जाएगी। हेलो, प्लीज गेट अप, ये सब बंद करो और यहाँ देखो। जी, ये आदमी कौन है और यहाँ कैसे घुस आया? तू कौन है, यहाँ पर कैसे आ गया तू? मेरा नाम है मोर और मैं हूँ एक चोर। मेरे एरिया का नाम हरा तोता। मैं रात में कभी नहीं सोता, बना लेता हूँ टारगेट तो कोई मुझसे नहीं बचता। घर में ताला लगाओ या न लगाओ, हाथ साफ कर ही देता हूँ। सेविंग मशीन हो या वॉशिंग मशीन, ब्रांडेड ना हो तो मैं छूता भी नहीं। किसी के साथ मेरी पार्टनरशिप भी नहीं है। जेब में रखा हुआ कैश हो या तिजोरी में रखा गोल्ड मुझसे नहीं बचता। मैंने अब तक 200 से ज्यादा चोरियां कर ली, पर पुलिस मुझे छू तक नहीं पाई। ये है अब उनका जलवा। 60 तोला गोल्ड, सही बात है। 20 तोला चांदी, सही बोल रहा है। 1 पल्सर बाइक, ये भी सच है। बालाजी मंदिर के दान की पेटी, सही बोल रहा है। दिस इज नॉट माई ट्रैक रिकॉर्ड, दिस इज ऑल टाइम रिकॉर्ड, ऑल टाइम रिकॉर्ड, ऑल टाइम रिकॉर्ड। अब तू कौन है बे? तेरा रिकॉर्ड का मैं क्या करूंगा? अरे 25 साल से इस पल का इंतजार कर रहा था मैं, एंड टाइम पर आकर तू मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तेरी तो, चल चल निकल यहाँ से। वन मिनट। अरे अरे बेशर, मेरी स्वागत पर तू कपड़े क्यों उतार रहा है? निकाल रहा हूँ। अरे ये तो गन है यार, तेरे पास कहाँ से आई? ये मैं एक पुलिस वाले से मार के लाया हूँ। मार कर लाया? असल में तू चाहता क्या है रे? अब उनको कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी बहुत इंटरेस्टिंग है, कंटिन्यू करो। मतलब कि तू शुरुआत से सुन रहा था? हाँ भाई। अरे अब उनको अपना पैक छोड़ के तेरी स्टोरी सुनने में मजा आया, चल कंटिन्यू कर। ऐसा कैसे हो सकता है? तेरी कहानी इतनी पसंद आई कि तू कंटिन्यू नहीं करेगा तो तुझे उड़ा दूंगा। या तो तू मरेगा या खुद को उड़ा लूंगा। अब उन तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाता है। सुन रहा, सुना। क्या तूने मर्डर मूवी में इमरान हाशमी को देखा है? ए, तेरे को पता है अपुन कितना डेंजर आदमी है? तू अपुन के ब्रदर, वो अपुन के सिस्टर, तुम दोनों अपुन की फैमिली हो। अगर हेट किया ना तो टपका डालूंगा। हाय, क्या बात है, कमाल है। अपनी कहानी कंटिन्यू करिए ना। तू उसको फेवर कर रही है? चल वहां देख।
सभी अपनी लाइफ को कलरफुल बनाने के लिए कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। मैं भी गया था। क्या यार, पहले दिन ही कॉलेज में मैं लेट हो गया। अरे तू कौन है, मेरा हाथ पकड़ता है, छोड़। आइटम समझता है क्या? हेलो, जरा सुनो। ए लड़की सुनो ना, मेरी बात सुनो। मार रही है, मेरी इज्जत नहीं है क्या? लगता है कॉलेज में नहीं आई है। अच्छा मेरी क्लास का है, तुमको पता है क्या? विच क्लास? बीच की क्लास नहीं यार, मेरी क्लास का है बताओ। Mindless, bloody ये तो इंग्लिश में गाली दे रही है, पता भी नहीं चल रहा है क्या बोल रही है। अब यहाँ कौन मेरी हेल्प करने आएगा? भी करके मैनेज करना पड़ेगा। रास्ते में चलते समय दिखाई नहीं देता क्या? राहुल, आई एम राजा, क्या हुआ? तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ। आई सॉर्ट दिस आउट। ये रखो, इससे शर्ट खरीद लेना। ये क्या, 2000 रुपए? काफी अमीर लड़का लगता है ये। भैया हुदूर फंड प्लीज भैया। थैंक्स भैया। ये तो दिल से भी राजा है। बाय बाय भैया। हेलो सुनो, हेलो, कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? बी पॉजिटिव। हाँ, ये तो कोई अजीब सा ग्रुप लगता है। हे विलेज डूड। हाँ मुझे कह रहा है क्या? हाय, बड़ा कंफ्यूज लग रहा है तू। नमस्कार ब्रदर, माय नेम शंकर राव फ्रॉम सतारा। कौन सी ब्रांच? मेरी एचआर ब्रांच है। एचआर ब्रांच? ये कौन सी ब्रांच? अरे वो आंध्रा बैंक की ब्रांच है, और क्या। अबे गधे, मैं बैंक की ब्रांच की नहीं बात कर रहा हूँ। ओ कॉलेज की ब्रांच पूछ रहे हो? सिविल। सिविल? ओ सिविल, चला जा, मेरी भी वही है। तुम तो यार चकाचक लग रहे हो, हीरो की तरह। हे बॉस। हे डूड। हे, तू भी इसी कॉलेज में है? तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो क्या? सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज आवर फर्स्ट क्लास। आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी लेसन अबाउट योर सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड? सो Okay, tell me. Excuse me, sir. Yes. May I come in, sir? No. Okay, tell me. Now, who will answer my question? All of you came here to study engineering. Among you, how many know the definition of engineering? तू मेरी बगल में आकर क्यों बैठ गया? वहाँ जाकर बैठ। What is the meaning of engineering? तुझे पता है क्या? Sorry, मुझे नहीं पता है। अरे यार, तुमको नहीं पता है क्या? तुझे पता है क्या? मुझे कैसे पता होगा? ये तो मुझे भी नहीं आता है। तुझसे कौन पूछ रहा है गेंडे? चुपचाप बैठ, चुप। Do you know? ये तो गया। सर, इंजीनियरिंग ई फॉर इंटेलिजेंट। नहीं 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 नहीं, एन फॉर इंटेलिजेंट। आई से स्टार्ट होता है, ई से नहीं। नेक्स्ट। सर आराम से बोलिए ना, चिल्ला क्यों रहे हैं? इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। बिल्डिंग बनाने वाला, बड़े बड़े पुल बनाने वाला, ये सीमेंट और कंक्रीट को मिलाकर बड़े बर्तन में डालकर उसमें पानी डालते हैं, फिर उसको फ्राई करते हैं ना, उसको हम। आर यू कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल? क्या कहा? तुम सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हो क्या? आपको कैसे पता चला? Shut up. बैठ जाओ। मुझे लगा वो तुझसे पूछेगा यार। साइलेंस। सर, कैन आई से सर? क्या तुमको पता है? यस सर। ठीक है तो बताओ। द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स टू प्रैक्टिकल एंड्स सच एज डिजाइंस मशीन्स एंड द ऑपरेशन ऑफ एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स सिस्टम्स प्रोसेसर्स इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। टेक योर सीट। सुनो, उस बंदे को अपने हाथ से नहीं निकलने देना, अपने बैच में शामिल रखेंगे उसको। भाई, भाई 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 भाई, जरा रुको भाई। बड़ा एक्साइटेड हो रहा है। भाई, ये ले साफ कर। वो पेन साफ कर, साफ कर, साफ कर ठीक से। अब तुम बैठ जाओ भाई।
थैंक्स ब्रो। भाई नमस्कार, माय नेम शंकर फ्रॉम सतारा। अभी हाय, मेरा नाम है राजा। ये मामूली राजा नहीं है, मास राजा है। और मेरा नाम राहुल। हे, ये है रॉकस्टार राहुल। हे ब्रदर, एक बात पूछूं क्या? तेरा ये गिटार शोपीस है या कुछ म्यूजिक बिजिक भी बजता है मतलब? इसमें मतलब इसे कभी बजाते हुए मैंने तुझे देखा नहीं है ना, इसलिए पूछा। ये देख मेरी नई ट्यून। और हाँ, ध्यान से सुन के। hey, क्या बढ़िया ट्यून बजा रहा है यार। यारों क्या कहना, ओ प्यारों क्या कहना, क्या है बातें यारों, क्यों है हंगामा। hey, यारों क्या कहना, hey, यारों क्या कहना, क्या है बातें यारों, क्यों है हंगामा। आया है मौसम मौसम प्यार का, दिल गाए मस्ती में झूमे मन हुआ बावरा। अपनी है ये फिलोसफी, डरते हम कहाँ, हमसे जो टकराए वो रहता है कहाँ। अपनी टीम है सियारों जैसी कोई ना, खुश रहते हैं हर दम हम तो दिल ही ऐसा। छोड़ करते रहते हैं हरदम हम तो, जबरदस्त है कैंपस अपना। ओ यारा सुन, प्यार व्यार सब चलता है अब यारो आओ। फिर भी हम तो इन बातों में नहीं है पढ़ते, नाच न जाने सेटिंग, करते नहीं हम डेटिंग, करते हैं हम बैटिंग और करते हैं हंटिंग। ऐसा ही है दिल अपना, दिल मांगे दिल मांगेगा, जो भी सोचेगा दिल मांगे दिल मांगेगा। यारों कर कर डांस, ओ यारों कर कर डे, आओ आओ वन टू हरदम करते रहना। और लड़के में हम फर्क करते कहाँ, हर लड़का हर लड़की की इज्जत है करता यहाँ। मेरी मिल्क चॉकलेट लाते हर कोई खाता, और हर कोई हर दम ही मस्ती में है रहता। फेसबुक कर लो सर्चिंग, सबको करते लाइकिंग, किससे करते चैटिंग, किससे करें हम डेटिंग। जीतेगा भाई जीतेगा, अपना दिल तो जीतेगा, अपने साथ जो भी होगा कभी ना होगा। तो शुरू हो गई लेकिन अभी तक कुछ कलरफुल नहीं हुआ। वैसे भी हम दोनों की ये सिंगल लाइफ बहुत बोरिंग सी लग रही है। मैं तो सिंगल नहीं हूं भाई। अबे तूने कब पटाई? बताना यार कौन लड़की है वो? अबे वो लड़की नहीं है बल्कि एक अमीर मछली है। अबे मुझे नहीं बताएगा? अरे बताना क्या, दिखाई देता हूं। अमीर लड़की है यार। अबे सिर्फ लगती नहीं बल्कि है भी, समझा? hey,
ए स्टेप चेंज कर, चल चल अच्छे से कर। ए तू भी कर। ए तुम दोनों जाओ। तुम फ्रेश हो भाई? भाई फ्रेश नहीं, फ्रेशर बोलते हैं। मुझे पता था लेकिन मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था अनाड़ी कहीं के। तुम फ्रेशर हो? जी सर। सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना नहीं जानती हो क्या? गुड मॉर्निंग सर। क्या तुझे ये दोनों नहीं दिखते हैं? इनसे कौन बोलेगा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड। सीनियर्स की हमेशा ऐसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके सर। चलो देख रहा है तू? ऐसे गिटार बजाते बजाते वो पड़ जाएगी सोच रहा है क्या? चुप रह। तू अभी अभी आया और उसे पटाने भी लग गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है यार। हमें सब पता है तेरा ध्यान उसके ऊपर ज्यादा है, गिटार बजाने पर कम है, समझ गया? क्या बोल रहा है? अच्छा क्या गिटार? देख रहा हूँ अभी भी नहीं देख रहा। एक बार और देखना, देख रहा है क्या? ए, नहीं देख रहा यार वो। उसे कैसे पता चलेगा कि तू इतने दिनों से उस पर लाइन मार रही है? चल उससे मिलाती हूँ तुझे। हे, सच में क्या? चल। हाय जीनियस, तुम्हारी इंजीनियरिंग की डेफिनेशन बहुत कमाल की थी। थैंक्स। माय नेम इज बेगम, माय फ्रेंड कल्पना। अभी। हाय, नाइस टू मीट यू। हे, ग्लैड टू मीट यू गर्ल्स। आई गॉट सम वर्क, हाँ? बाय। ये क्या? ये तो काफी मैच्योर होने की एक्टिंग कर रहा है। यार क्या ये वही लड़का है जो उस दिन मिला था? अब तो मुझे भी डाउट है। ओ ड्राइवर भैया, गाड़ी चलवाओ और कितना वेट करवाओगे अब? अभी पैसेंजर कम है, और आने दो। देखा भाई, इनको भी और पैसेंजर चाहिए, क्या कर सकते हैं। अगर प्यार करो तो दिल से करो, खुल के करो, डरने की कोई जरूरत नहीं। क्या बात है, तेरे बगल में तो लड़कियां आ गई। यार तुमने मुझसे बैठने के लिए वो खिड़की वाली सीट मांगी थी ना, तब शायद मैं सुन नहीं पाया था। अगर तुम यहाँ बैठना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बैठ सकते हो। नहीं भाई, यही ठीक हूँ मैं। अरे शर्माने की बात नहीं है यार, आजा, चल यहाँ बैठ जा, मैं वहां बैठ जाता हूँ। मैं इधर ही ठीक हूँ भैया। आजा ना यार। क्या बात है, क्या आप कोई कहानी पढ़ रही हैं? वैसे आप बिल्कुल चांद की तरह दिखती हैं। सुंदर लड़की देखी नहीं कि लड़के चालू हो जाते हैं, फिर उन्हें पटाने के लिए डोरे डालना शुरू कर देते हैं। हेलो, अगर तुम सुंदर लड़की की बात कर रही हो तो इस बस में सिर्फ एक ही सुंदर लड़की है, दूसरी सच में कोई भी नहीं है। हाँ हाँ, इसलिए तुम इस तरफ आ गए ना। बहुत तेज है ये। क्या हुआ यार, भूख लग रही है यार, मैंने कुछ खाया नहीं है। कुछ खाया नहीं आपने? पर ऐसा क्यों, कुछ खाना चाहिए था ना। दरअसल मैं लेट हो रही थी ना, इसीलिए कुछ खा नहीं पाई। अच्छा यहीं रुको, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। अरे रहने दीजिए ना, थोड़ी देर से भी खाऊंगी तो कुछ नहीं होगा। अरे कैसी बात कर रही हैं आप, अगर आप खाएंगे नहीं तो आपको नींद भी नहीं आएगी। बिस्किट बिस्किट, बहुत फास्ट। अरे यार टाइमिंग रॉन्ग हो गई मेरी। वो क्या है कि रात में बिना खाए सोने से आप जानती हैं क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? आपका चेहरा बहुत जल्दी डल पड़ जाएगा और हो सकता है कि ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाए।
लीवर प्रॉब्लम से बॉडी में शिवरिंग हो सकती है और यहाँ तक कि कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। चुप बैठना, कितना बोलेगा। तो बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? इडली, पूरी, बड़ा, उपमा, डोसा, मसाला डोसा, चपाती, पराठा, फ्राइड राइस, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, प्रॉन्स, मंचूरियन, नूडल्स, एनीथिंग, जो तुम कहो। इससे पहले तुम होटल में बर्तन मांजते थे क्या? ये तो कुछ ज्यादा ही बकवास करती है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। आपके लिप सच में बहुत खूबसूरत है। थैंक यू जी। अगर तुम इन्हें बंद रखोगी तो ना ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? कर्ड राइस अच्छा रहेगा। कर्ड राइस के साथ मैं आइसक्रीम भी लेकर आऊंगा। तुम दोनों चीजें खाओगी ना तो मजा आएगा। चल। भैया एक कर्ड राइस देना। 500 का चेंज नहीं है किसी और से। अरे देखो ना भैया, होंगे नहीं भैया, होता तो दे देता। अरे भैया ट्राई करो ना। अरे यार वन सेकंड भैया। 500 का चेंज है क्या भैया? नहीं है भाई। दे दो ना भैया। अरे मैं बोल रहा हूँ नहीं है ना भैया, एक बार तो देखो ना प्लीज। अरे यार अबे ओ, बार बार हॉर्न मत बजा, समझा? आ रहा हूँ मैं भैया, ट्राई करो ना प्लीज। अरे कहा ना मेरे पास नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तुमने अभी देखा ना उसने हॉर्न बजाना बंद कर दिया। हाँ हाँ, क्योंकि वो बस लेकर चला गया। पक्का ये लड़का वही है? नो डाउट, पक्का मैं ये बात इसी से कहलवाऊंगी। अच्छा कैसे? वेट एंड सी। हाय अभी। हे हाय। क्या हुआ, सुना नहीं या जानकर इग्नोर कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मैं कुछ सोच रहा था। फिर मुझे देखा नहीं, ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। मुझे पहचाना नहीं क्या? नहीं। ओके, इसे देखकर तुम्हें याद आ ही जाएगा। हे इट्स माय डायरी। हाँ उस दिन उस बस में तुम्हारा बैग मेरे पास है। हे आई वांट माय बैग। तो मेरे घर चलो। लेकिन कोई बात नहीं, चल सकते हो, मेरी मम्मी बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। अच्छा ठीक है, मैं देखूंगा। क्यों बे, ये थोबड़ा ऐसे मेंढक की तरह क्यों बनाया है? जरा वहां देख तो। हमने उसको जीरो समझा था लेकिन वो तो जीरो निकला। अबे सामने मामूल हो गए यार। रुको, सिग्नल तोड़ के भाग रहे हो, ऊपर से तीन तीन बैठे हो। सर दरअसल वो हम लोग को वहाँ उस तरफ। बोलने में कंफ्यूज क्यों हो रहा है? हॉस्पिटल जाना है सर। क्यों, कहीं दर्द हो रहा है क्या? सर हमारे कॉलेज में दो ग्रुप्स में बहुत फाइट हो गई है। अच्छा। वो एक दूसरे को पत्थर से मार रहे थे और उनमें से एक पत्थर हमारे दोस्त को जा लगा है। सर कहाँ चोट लगी है? सर पे लगी है, पेट में लगी, कहाँ लगी है? नहीं सर दिल में चोट लगी है। बाप रे, हाँ सर दिल में दर्द है। की तरफ, की तरफ। हाँ सर, सर इसको बहुत दिक्कत हो रही है सर, हमें जाने दीजिए सर। अरे ये जवान लड़का है, इतना ही नहीं झेल पा रहा है लगता है। ड्राइविंग करते समय हेलमेट पहनना चाहिए, ये पता नहीं है क्या? हमें पता था, पूछेंगे इसीलिए रख लिया था सर। ये क्या है, मेडिकल हेलमेट नहीं, मैंने सर पे पहनने वाला हेलमेट पूछा था, इसे तुम इस्तेमाल कर लेना है। तुम्हारे पास सेंस नहीं है क्या? तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। चल अपना लाइसेंस दिखाना यार जल्दी। चलो दिखाओ। क्या दिखाओ? लाइसेंस। ड्राइविंग तुम कर रहे हो और लाइसेंस ये दिखा रहे। अरे यार सर मुझे ड्राइविंग आती है लेकिन मुझे लाइसेंस नहीं मिला और इसको ना ड्राइविंग नहीं आती है फिर भी इसके पास लाइसेंस है सर। आपको कोई और काम नहीं है क्या? सुबह सुबह लाइसेंस चेक कर रहे हो सब? रुको 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 यार, इन लड़कों ने कंफ्यूज कर दिया है। ए तुम्हें ड्राइविंग अच्छे से आती है ना, तो चलो फिर रोड पर आर्ट बनाकर दिखाओ। क्योंकि आरटीओ ऑफिस में ऐसे ही टेस्टिंग लेते हैं, समझ गए ना? ऐसा क्या, तो चलो बताओ आठ बनाने हैं या फिर 18 बनाने हैं? क्यों ऑफर दे रहे हो? ऑफर है सर, बस करो, चलो आठ बनाकर दिखाओ। इतना ही ना? अरे भाई रेडी है ना? रेडी रहना। तो फिर ठीक है, आप यहीं पर रुकना, फिर बाद में देखना, हम जा कर आते हैं। चलो चलो चलो। अरे तू कहाँ जा रहा है? अच्छे से देखना, बनाओ तो सही पहले। अरे तू स्टार्ट करना, देखना अभी। अरे तेरे बाप ने तुझे मेरे पास सुधरने के लिए भेजा है लेकिन तू मेरे बिजनेस को चौपट कर रहा है। अंकल वो गेट आउट। उसने छोटी सी ही तो गलती की है सर, आप उसे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं उसकी गलती छोटी है लेकिन मार्केट में मेरा नाम खराब हो रहा है मूर्ति। जो भी हो कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी को धोखा दो और ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
वायरस डालने के लिए एक पेन ड्राइव ही काफी है। वो सारे सिस्टम को क्रैश कर सकता है। लेकिन वो आपके भाई का बेटा है सर। भाई का बेटा है तो क्या? अगर मेरा बेटा होता तो भी मैं यही करता। हाय। हाय सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आई वांट टू फॉलो यू। प्लीज गो, मेरे अब्बा आ जाएंगे। मैं अपने बाप से नहीं डरता तो तुम्हारे बाप से क्यों डरूं? मेरी बेटी को छेड़ने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हे, ये कैसे हुआ बे? मुझे छोड़ के उस दिन भाग गए थे ना, उसके बाप का दिया हुआ गिफ्ट है। मैंने तुझसे कहा था ना कि उसके साथ बिल्कुल मत रहना, और तू है कि लड़कियों के पीछे पड़ गया। भाई अपनी लाइफ में सेटल हो जा, फिर सब कुछ मिल जाएगा। आपसे पहले ही कहा था सर कि ऐसा ही होगा। This is for you. दबा दे के इसने और घायल कर दिया। हाय। हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तू कब आई? बस अभी। क्या कह रहे हैं तेरे सीनियर सर? हाय बेब्स। हाय। तुम सब लोग तो यहाँ पर हो, लेकिन तुम्हारी गैंग लीडर कहाँ है? व्हाट? अरे मतलब वो ऑडी गर्ल। ओह, सोनी। सोनी है? टीवी है या डीवीडी प्लेयर है? होम थिएटर है, तुझे चाहिए क्या? लड़कियों के सामने थप्पड़ मारता है, मेरी कितनी इंसल्ट हो गई पता है क्या? मुझे नहीं पता। पता नहीं तो कोई बात नहीं। क्या तुम्हें कोई बात करनी है उससे? फ्रेंडशिप करनी है उसके साथ। वो देखो आ गई तुम्हारी वो मैडम। देखते क्या जबरदस्त है ना। Today is my birthday. Oh, happy birthday. Many happy returns of the day. Thank you. Hello, beautiful. हमें मिठाई नहीं खिलाओगी क्या? ओहो, dirty fellows. ये इतने cheap कैसे हो सकते हैं? इनमें wish करने का common sense भी नहीं है। तुमने ऐसे गधों के साथ friendship कैसे कर लिया? ये beautiful नहीं है रे, bloody fool है। अभी अपना rocket launch करना ही पड़ेगा। अरे क्या बात है? मैंने सोचा था इसे इंप्रेस करने के लिए कुछ और करेगा, लेकिन तू इसका स्केच बनाकर इंप्रेस करेगा मैंने नहीं सोचा था। तूने तो उस लड़की का स्केच बनाकर उसे इंप्रेस कर दिया यार।
प्लीज जाने दीजिए सर, मुझे क्लास जाना है। अरे चली जाना। अच्छा ये बताओ, ये अपने आप वहां गिरा या फिर तुमने इसे जानबूझ के वहां गिराया था? मैं प्रॉमिस करती हूँ, ये वहां पर गलती से गिर गया था, प्लीज मुझे दे दीजिए ना। प्लीज सर दे दीजिए। तुमने जो खोया था मैंने लौटा दिया, मैंने अपना दिल खो दिया है, अगर तुम्हें कहीं मिले तो लौटा देना। सर गाना खत्म हो गया सर। कौन है ये? उस लड़की का नाम फरीमा बेगम है। बेगम? इस बेगम को देखकर मेरा दिल बाग बाग होने लगा है। तो जाकर अपना ईसीजी कराओ ना। अरे बाप रे। हेलो ब्रदर, जूनियर को जूनियर्स की तरह रहना चाहिए, समझे? हमें क्या करना है बता दीजिए सर। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। जब तुम उसके आसपास रहोगे तो मैं आऊंगा, तुम लोग मुझे देखते ही सर यस सर हाँ सर क्या काम है सर ऐसा बोलना। उसी टाइम पे तू आना और कहना सर अनाथ आश्रम में 50,000 डोनेट कर दिया मैंने, और मैं कहूँगा कि ऐसा काम करके मुझे पब्लिसिटी करने का शौक नहीं। उसी टाइम पर तुम आना और कहना सर आप तो वही हीरो हो जो कॉलेज में रैगिंग के खिलाफ हो, समझ गए ना सर? और एकदम सिंपल तरीके से कहना, ठीक है? सबकी एक्टिंग में बिल्डअप दिखना चाहिए, बिल्डअप। आपको टैलेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब वो सब कुछ हम लोग करेंगे। अब ये मुझसे टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। अरे जीनियस तू कुछ प्लान बना ना यार। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आवाज निकाल रहे हो क्या? तू यहाँ पढ़ाई क्यों कर रहा है? लड़कियों को देख। मुझे एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, तुम लोग भी ना। ए, मुझे पर्सनल काम है, तुम लोग यहाँ से जाओ। क्या भाई? ओ क्यों क्यों क्यों? ए नया क्यों पढ़ रहा है, पुराने को रिवाइज कर। अरे अच्छा सा गाना कंपोज कर यार, मुझे डांस करना है। अरे डांस बाद में करना, पहले वहां देख। कब तो आज वो गया गांव से। अच्छा ये ऐसा क्या है? रोबोट अपने टी शर्ट तो देखिए सर कैसी है, बहुत ज्यादा मैली हो गई है सर। कॉमेडी कर रहा है तू? ऐसा कुछ नहीं है सर। सर 12 सब्जेक्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं और आप कॉलेज ग्राउंड में घूम रहे हैं, जाके पढ़ाई करिए। किसने कहा 12 है, वो तो सिर्फ 5 है। तेरे पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। सर आप कॉलेज के सभी सीनियर्स के भी सीनियर्स हो, क्यों से भी आपने 1200 रुपए उधार लिए? इसलिए आप मेन गेट नहीं बैक गेट से आते हैं ना? हम देकर अपनी बेइज्जती करवा ली ना सर। ये मेरी गलती नहीं है, वो तो मैंने दोस्ती के नाम पर 500 लिए थे और कुछ नहीं। मैंने तुम लोगों को मेरे बारे में बेस्ट बातें करने को बोला था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी लाइफ वेस्ट कर दी। सीनियर सीरियस हो जाए तो क्या सीन बनता है मैं बताता हूँ तुम्हें। अपने हाथ ऊपर करो। तू बहुत कॉमेडी करता है ना, तेरा ही काटता। ओ मम्मी मम्मी। आधे घंटे से तू मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है, अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। चलो ढोल बजाना शुरू करो, नगाड़े बजाना शुरू करो। सीनियर्स के सामने जूनियर्स को डर से कांपना चाहिए। भाई
तुझे क्या लगा कि मैं कोई हैरा गहरा हूं? मास सुपर मास। भाई सीनियर हमें हरास कर रहे हैं भाई। कॉलेज में मेरे बैच के बाद रैगिंग का एंड होना चाहिए था। उस दिन से रैगिंग करने वालों को डर से कांपना चाहिए था। यहाँ पर हीरोगिरी दिखाने की जरूरत नहीं है वरना टाटा फिस हो जाएगी। नहीं एसआई ने चार्ज ले लिया है और वो डायरेक्ट यहीं आ रही है। 1-1-1, 2-2-2, 3-3-3 हेलो श्रीदेवी इज कमिंग। कौन है यार ये? फेस बॉय का लग रहा है, बॉडी लेडी की लग रही है। लेडी बॉय है क्या? पहले मैं कहानी सुनाऊंगी। कौन है ये फनी आदमी? सुनो, तुम यहाँ इन लोगों को अपनी कहानी सुनाकर कंफ्यूज क्यों कर रही हो? उस जमाने में श्री लक्ष्मी और रितेश्वरी और आज उषा रानी। किसी को अब रैगिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा बॉस। मैं रैगिंग को रोकूंगी और मेडल जीतूंगी, यही मेरा लक्ष्य है मां कसम। जवानी में नोट छापने की सोचो, बुढ़ापे में मेडल मिल जाएगा। पहले वो लोग मेरे सामने आए, पहले मैं धोऊंगा। तुम करोगे तो गलत है और अगर मैं करूंगी तो मेरी ड्यूटी है, यही इधर का रूल है। तुमको चलेगा लेकिन मुझे नहीं। नहीं चलेगा तो निकल इधर से। उनको मैं धोऊंगी। नहीं मैं धोऊंगा। बोला ना मैं धोऊंगी। मैं ही धोऊंगा। बकवास बंद कर फनी आदमी, मैं धोऊंगी। अरे ये क्या तमाशा है? ऐसा करो एक दूसरे से निपट लो, फिर डिसाइड हो जाएगा कि हमसे कौन निपटेगा। आप तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं, तो फिर फाइट करना जरूरी है क्या? मैं तैयार हूँ, यहाँ से बाहर हूँ। ये क्या चल रहा है सर, फाइट या मसाज? अरे फाइट वाली मसाज है, तू ज्यादा दिमाग मत लगा, अपना मुंह बंद रख। ऐसा लग रहा बैंकॉक गया था। ट्विन सिटीज के सारे मसाज सेंटर्स में ऐसी मसाज किसी ने कभी नहीं की। थोड़ी देर और होती तो मजा आ जाता। अब क्या बाकी रह गया सर? सर बाकी है ना अभी। मैडम आपने तो इसकी पिंगी बजाने के लिए इसे आड़े हाथ लिया था, लेकिन इसने तो इसे मसाज की तरह एंजॉय किया। लगता है ये मैन नहीं है। तो क्या ये है क्या? मेरा मतलब ये मैन नहीं, माचो मैन है। ये आपके लिए बहुत सही रहेगा, आपका कॉम्बिनेशन ब्लॉकबस्टर रहेगा। ब्लॉकबस्टर? वो मान जाएगा क्या? इतनी आसानी से नहीं मानेगा ये। इसे पहले आप अपने पुलिस स्टेशन में ले जाओ, फिर अपनी जेल में डाल देना, मेरा मतलब दिल में उतार लेना। चलो स्टेशन चलो। लेकिन क्यों, किस लिए? स्टेशन में मसाज का मजा कुछ और ही होता है। अच्छा, यू आर माई MLC। MLC बोले तो? माई लवली कैंडिडेट। पता नहीं ये क्या बकवास कर रहा है, चल बे। अरे इतना फास्ट क्यों जा रही हो, इरादा क्या है? अब और क्या होगा? डिक्का डिक्का डूम डूम, डिक्का डिक्का डूम डूम। यहाँ बैठ के रो क्यों रही हो? कुछ नहीं सर। कुछ भी हो मुझे बता सकती हो? आज मेरा बर्थडे है। क्या बात कर रही हो? बर्थडे के दिन हमेशा हैप्पी रहना चाहिए।
लेकिन तुम हो यहाँ बैठ कर के आंसू बहा रही। मुझे अपने पैदा होने पर खुशी नहीं, क्योंकि मेरे पैदा होते ही मेरी माँ दुनिया से चली गई सर, इसीलिए हर बर्थडे को मैं यहाँ पर आती हूँ, अल्लाह से फरियाद करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ये सब क्यों और कैसे होता है ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन इसके लिए जिंदगी भर रोते रहना अच्छी बात है क्या? पर मेरे बर्थडे के दिन एक और बुरा इंसिडेंट हुआ था सर। अब्बा मुझे माफ कर दीजिए, हालात ही कुछ ऐसे थे कि आपको बताए बिना ये शादी कर ली हमने। अब्बा उन्हें छोड़ दो, अब्बा आपा को माफ कर दो। मेरा पैर छोड़ो बेटी। मेरी बात तो सुनिए अब्बा। तुमने क्या सोचा तुम्हारी अम्मी की तरह मैं भी मर चुका हूँ? मैं अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत की कदर करने वाला इंसान हूँ। आशा की बेटी किसी के साथ भाग गई ये बात मैं कभी नहीं सुन सकता, और ना ही शर्मिंदगी की जिंदगी बिताना चाहता हूँ। उससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। अब्बा अम्मी जिंदा नहीं है, इस बात का आपने एहसास नहीं होने दिया अब्बा। अब ऐसा करके हमें अनाथ मत करिए अब्बा। आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुकी हो। इनको यहां से जाने को कहो बेटी, मैं इसे यहां दोबारा नहीं देखना चाहता हूं। हाँ ये मानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारे बर्थडे के दिन हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे बर्थडे की वजह से हुआ। सो फालतू की चिंता मत करो और ठंडे दिमाग से सोचो, सब कुछ समझ आ जाएगा। ओके बताइए क्या सरप्राइज है सर? Many more happy returns of the day, Manisha. Hey dear Manisha, happy birthday. Many more happy returns of the day, sister. ये बताओ, अब्बा अभी मुझसे नाराज हैं? बेटी मनीषा, जन्मदिन मुबारक हो। बहुत लंबे अरसे के बाद मुझे ऐसा मौका मिला है कि मैं तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। 100 साल जियो बेटी। तुम्हारा ये जन्मदिन मैं बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहता हूँ बेटी। खुशी देने में अब तक मुझसे जो कमी हुई उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहूंगा। अपने अब्बा जान को माफ कर देना बेटी, माफ कर देना। जो उस दिन मेरी बेटी को छेड़ रहे थे। कैसी बात कर रहे हैं सर, मैं उसे छेड़ नहीं रहा था, वो वहां रो रही थी इसलिए मैं उसके पास गया था। आप भी जाके देख सकते हैं, वो मस्जिद के पास बैठ के रो रही है, इसलिए नहीं कि उसने माँ को खोया है, बल्कि वो आपके दिए प्यार को याद कर रही है। बल्कि वो तो ये भी भूल चुकी है कि बर्थडे पे जश्न भी मनाते हैं। वो ये सोचती है कि उसकी लाइफ बेकार हो गई है। ऐसा क्यों सर? बस एक बार जाके उसके दिल की बात पूछिए सर, उसे भी खुशी होगी और आपको भी बहुत खुशी मिलेगी सर। अपनी फैमिली के बारे में क्या मैं खुद नहीं जानता हूँ? फैमिली का मतलब सिर्फ जिम्मेदारी निभाना नहीं होता है सर, फैमिली में खुशियाँ भी होनी चाहिए और उन खुशियों से खुद को सुकून भी मिले। बस मेरा एक कहना मान लीजिए सर। बेटी
बताओ मुझे क्या करना है। यस, बस मुझे एक वीडियो बनाने दीजिए सर। मैं तैयार हूं बेटा। Here we go!
बात कहकर ही रहूंगी। हाय अभी, मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात करना चाहती थी, लेकिन वो फोन पर नहीं कह सकती, पर्सनली मिलकर ही बताना चाहती हूँ। अभी कहाँ हो तुम? मम्मी वो मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ सकती हूँ। मम्मी अभी बहुत अच्छा लड़का है। मम्मी प्यार होने के बाद लड़का अच्छा ही लगता है बेटा, लेकिन जब हालात बदलते हैं तो वो भी बदल जाते हैं। हमारी आंखों और मन के पास कॉमन सेंस नहीं होता, जो भी हम देखते हैं वो पाना चाहते हैं। इस उम्र में हमें सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन वो सब कुछ लाइफ लॉन्ग हमारे पास रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जब भी तुम अपने पापा के बारे में पूछती हो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, तुम्हें पता है क्यों? मैंने भी तुम्हारी तरह प्यार किया था, जाने अनजाने जवानी के जोश में आकर एक फैसला कर लिया। घर वालों की मर्जी के खिलाफ हमने शादी कर ली और पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद मुझे नौकरी करनी पड़ी, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जिम्मेदारियां उनके लिए बोझ बन गई और फिर अचानक वो मुझे छोड़कर कहीं चले गए। मैं समझती हूँ तुम्हारी उम्र में कैसा महसूस होता है, इसलिए मुझे पता है तुम्हारे विचार अलग होंगे मुझसे। तुम्हें अभी जिंदगी के पहलुओं का उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। आपकी बेटी को ब्रेन ट्यूमर है, टेंशन लेने की वजह से उसके दिमाग पे गहरा असर पड़ा है, इसी वजह से ये सब हुआ है। अगर उसकी जान बचानी है तो एक साल के अंदर कुछ भी करके उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। ऑपरेशन में कितना खर्च आएगा डॉक्टर? अप्रोक्सीमेटली 10 लाख तक। क्या सर, इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी है। अरे यार देखिए सर, आपकी कंपनी की प्रोडक्ट वैल्यू गिर रही है, इसलिए हमने अपने शेयर्स भी वापस ले लिए। हमने 3 महीने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कोर्ट तक चले जाएंगे और फिर इसका नतीजा आपके लिए सही नहीं होगा। हेलो डैडी, मुझे अर्जेंट 10 लाख रुपए चाहिए। देखो बेटी, पार्टी के लिए मैं तुझे 10,000 रुपए दे सकता हूँ, लेकिन तेरे फ्रेंड की हेल्प के लिए 10 लाख कैसे दे सकता हूँ? तुझे कितनी बार कहा कि अमीर लोगों से दोस्ती किया कर, गरीबों से दूर रहा कर। बहुत मदद कर ली तूने लोगों की, बेकार वक्त मत बर्बाद कर, चल अब सीधी घर आ। हेलो डैडी, हेलो। कोई रास्ता हमारे पास नहीं था, वो मरने वाली थी और हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि हम उसके लिए कुछ भी कर पाते। अरे तू क्यों इतना इमोशनल हो रही है? तुझे भी इतना दुख हो रहा है क्या? क्या ट्विस्ट है? अरे इतनी रात को कहाँ जा रहा है बे? भाई इस सेंटिमेंटल सीन ने मुझे भी बहुत इमोशनल कर दिया है।
मुझे बस 10 मिनट का टाइम दो, एक वाटर मार के आता हूँ, तब तक तुम दोनों कैरी ऑन प्रोसीड, जो मन में आए वो करो। अरे क्या देख रहे हो, उन्हें स्वागत मनाने दो। तेरे गाल कितने गुलाबी हैं, तेरे फूल कितने खुशबूदार हैं जी, तेरे गुलाबी हो भाई बिजी है। ओके ओके ओके। अबे बेवड़े तू फिर से क्यों आ गया, तू मुझे कुछ करने देगा कि नहीं यार? मैं इसका मर्डर करके जेल चला जाता हूँ, यही सही रहेगा। मैंने पहली बार गन पकड़ी है, तू चला जा वरना तेरा मर्डर कर दूंगा, मुझे इसे चलाने भी नहीं आता। अरे तू हंस क्यों रहा है? अरे दिवाली के दिन मेरी माँ मेरे लिए गिफ्ट लाई थी, ये तो नकली है। अच्छा अगर चाहो तो ट्राई कर लो। अरे मैंने तो क्या ही था। हाँ अरे तू सही बोल रहा है, रुक जा तुझे अभी बताता हूँ। अरे ये क्या करने वाला, ओ फोन, इस टाइम पे किसको फोन कर रहे? पुलिस को कर रहा हूँ रे। उन्हें क्यों फोन कर रहे? ओ उन्हें भी स्टोरी सुनाएगा क्या? स्टोरी नहीं रे, तुझे अलग सुनाता हूँ, क्राइम स्टोरी। अरे रे रे रे, पुलिस को फोन करने का कोई फायदा नहीं, पुलिस स्टेशन मेरे लिए कोई नई जगह थोड़े ना है। असल में मेरा केयर ऑफ एड्रेस सुबह को पुलिस स्टेशन और रात को रेलवे स्टेशन है। अपन यहाँ हॉलीडे करने के लिए आया है, फोन करने से पहले जरा सोच ले। अगर तूने पुलिस को बुलाया तो पब्लिक आएगी, पब्लिक आएगी तो मीडिया आएगी, और तेरे स्वागत की पूरी पब्लिसिटी हो जाएगी। अब कर फोन तू। तू स्वागत नहीं मनाने देगा? किसी पंडित ने हमें श्राप दिया है क्या? उसके बाद कल्पना का क्या हुआ जी? हाँ? बोलिए ना, हम दोनों ही जानना चाहते हैं। तेरी माँ का तू उसके साथ ही चली गया। जल्दी शुरू किया, ठीक है बताता हूँ। कल्पना की कहानी बताऊँ क्या? शुरू हो जाए। कल्पना की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक अच्छा आइडिया निकाला। आज हमारे पास हमारे कॉलेज स्टूडेंट की जान बचाने के लिए एक सुनहरा मौका है, और उसके लिए लाखों रुपए डोनेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस केवल मात्र एक रुपया उसकी जान को बचा सकता है। एक रुपए से कैसे होगा? वो ऐसे सेंसेक्स में एक रुपए की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हम सब एक एक रुपए जोड़ेंगे तो वो सारे पैसे मिलकर एक बड़ा अमाउंट बनाएंगे। पानी की एक एक बूंद से ही घड़ा भर जाता है, वैसे ही हमारी ये छोटी छोटी कोशिशें भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। हमारी पूरी यूनिवर्सिटी में 90,000 स्टूडेंट्स हैं, अगर एक एक रुपए भी जमा किया गया तो 90,000 रुपए होते हैं, और एक साल के बाद 90,000 से भी ज्यादा हो जाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व। और ये है मेरा पहला एक रुपया। उस आइडिया से कल्पना की जान बच गई, 6 महीने बाद आखिर उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। अगर मुझे पता होता कि ये सब होने से तुम मेरे करीब आ जाओगे तो मैं भगवान से पहले ही कह देती कि ये सब पहले ही हो जाए। मैंने अकेले कुछ नहीं किया है कल्पना, ये सारा कुछ हमारे कॉलेज स्टूडेंट ने किया है। हाँ कल्पना, जो पेरेंट्स नहीं कर पाए वो स्टूडेंट्स ने किया। सुनो कल्पना, अब हम लोग बीच पर चलेंगे, म्यूजिक बजाएंगे और डांस करेंगे, ठीक है ना? उस दिन हम सारे दोस्त बहुत खुश थे। अरे मास, हाँ? तेरी ऑडी गल आ गई। हाँ? मैंने नहीं, उधर देखो। आज तुम ऑडी की बजाय ऑटो से क्यों आई हो? हाँ? पकड़ा जा बाबू, लड़की को किया काबू। तुम चलो। तो तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा टच फील कर रहा हूँ। What? मतलब तुम्हारा टच मोबाइल अच्छा है। ओह, टैब। हाँ, ए सूर्या, गेट क्यों बंद कर रहा है? लेट आने वालों को सर ने अंदर आने से मना किया। अरे हम लोग कल जल्दी आ जाएंगे, आज सर को बताने दे रहा। रुक जा पास, मेरी बेइज्जती होगी, चल मूवी देखने चलते हैं। मूवी देखने चल रहे हो? बताओ कहाँ चले? आईनॉक्स। अरे मास, मैं पहले जाकर सीट रोक कर बैठता हूँ, तुम लोग यहाँ रुको, मैं 10 रुपया वाली टिकट लेकर आता हूँ। तो क्या हुआ, यहाँ का टिकट सस्ता नहीं होता है? बालकनी की टिकट ले रहे हो क्या? तो एक का कितना होगा? एक टिकट 50 का, 50, 50, 50, 150 रुपए, मुझे नहीं देखना, जाने दे। ये 150 में तो एक ही टिकट आएगी। एक टिकट 150 रुपए का, 150 रुपए, 150 रुपए, 150 रुपए, 450, बाप रे मर गया, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? जाओ उसको बोल दे। अरे प्लीज मेरे भाई, समझने की कोशिश कर, मेरी इज्जत का फालूदा मत बना। हे भगवान, कहाँ फंस गया? मुझे पता है तुझे स्कॉलरशिप का पैसा मिला है, अभी तू दे दे, बाद में हम लोग सेटल कर लेंगे, ठीक है? ये ले पकड़ लाता हूँ, ले। अरे मास, तू यही रुकना, लड़की का ध्यान रखना। हाँ। मैं अभी आया। हाँ?
जरा हटना भाई साहब, मुझे उधर जाना है। थैंक यू भाई। अरे बापरे। हेलो मास्टर। हाँ क्या है, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ क्या? मास्टर बुला रहे हो? ये देखो कैसी पागलों जैसी बात कर रहा मास्टर, है। हाँ, क्या है? मैं मास्टर नहीं स्टूडेंट हूँ। अरे भाई तुम रुको ना, कहाँ भाग रहे हो? तुम जाओगे तो पिक्चर हिट हो जाएगी। अच्छी पिक्चर है क्या यार? पिक्चर देखने की बहुत जल्द आई है, नंबर आएगा तो जाना। अच्छा ये लोग इतना बड़ा पोस्टर दीवार पर कैसे चिपकाते हैं पता है क्या? ओ ग्लू से ना। थैंक्स। हेलो मास्टर। ए रुक रे सर, मुझे 3 टिकट दे दीजिए। स्क्रीन 1 के टिकट नहीं है तो 2 का दे दीजिए। ओके सर। थैंक्स सर। सर लाइन में लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, ध्यान रखिए सर। अरे पागल है क्या ये? तेरी वजह से लेट हो गए। क्या कहा? लेट? राशन की लाइन में खड़ा था कि जल्दी आता? तू लाइन में होता ना तो पता चलता। देख मैंने तुझे स्क्रीन 1 का टिकट लाने को कहा था, तू 2 का। हाँ यार मैंने 1 का मांगा था, हाउसफुल था इसलिए मैं 2 का ले लिया। ये मूवी तो देखी हुई है। देखी हुई है इसीलिए आईनॉक्स में नहीं आता, हमेशा गड़बड़ हो जाती है। चलो नहीं देखना है, चलो उठो। अब बैठ जा यार, बड़ी मुश्किल से वो हमारे साथ फिल्म देखने आई है और तू जाने की बात कर रहा है। मैं भी ठीक हूं और सब भी ठीक है, आज मैं बहुत खुश हूं। और जब तुम लोग सॉरी मैंने उठा दिया, लेकिन सूरज उगने में सिर्फ नाइस मूवी नो। या या वेरी नाइस, टू गुड बॉलीवुड मूवी। चलो हां बाबा चलो, हां सब ठीक होना चाहिए। अरे फिल्म में कॉमेडी चल रही है, सब लोग हंस रहे हैं तो तू क्यों नहीं हंस रहा है? हंसना। अच्छा तो मैं भी हंसू क्या? बस बस बस। अरे इसे तोड़ कर क्यों दिया? ओ ए मास, हम एक ही पिक्चर को दोबारा देखकर इतना हंस रहे हैं, कोई पहली बार में इतना हंसता है ना? तुमने मूवी पहले देखी है क्या? और क्या, इसकी फेवरेट मूवी है ना। शिट। बेटा कॉलेज ज्वाइन किए हुए 3 साल हो गए, कोई थ्रिलिंग न्यूज नहीं बताई। व्हाट डैड? अरे मेरा मतलब कोई लव वगैरह ये सब। दरअसल क्यों बेटा, कहीं प्यार में तो नहीं पड़ गए हो ना? मतलब मैं सही कह रहा हूं ना? यू आर जीनियस डैड। कौन है वो? उसका नाम मनीषा है, बहुत सुंदर है। तो फिर उससे कब मिलवा रहे हो? वन साइड लव डैड। ओह क्या मुझे बात करनी पड़ेगी? नहीं नहीं मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा डैड। ऑल द बेस्ट। हम लोग यहाँ वेट क्यों कर रहे हैं यार? ये क्या है मास, तेरी गर्लफ्रेंड के लिए मैंने कभी वेट नहीं किया क्या? मेरी गर्लफ्रेंड के लिए तुझे भी वेट करना पड़ेगा। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हर कोई हीरो होता है, मैं भी हीरो हूँ। अच्छा अब इसे ज्यादा खींच मत, नहीं तो फट जाएगा। अरे ये बीच में कहां से टपक पड़ा यार? चिल्लर नहीं है, जा तो कुछ नोट दे दो ना। नोट? इसने कौन सा पंच मारा? देखो फटे पुराने आदमी, तुम भीख मांगते हो, मैं भीख नहीं मांगता, बस इतना ही अंतर है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। सर एक बार जेब में चेक करो, कुछ तो होगा। अबे मेरी जेब के बारे में तुझे कैसे पता? कुछ भी नहीं है। 1 रुपया है। अबे क्यों दे रहा है इसको? लास्ट में तुझे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ चल भाई। अरे जल्दी जा, नहीं तो ये निकल जाएगी। अरे चल। अरे मुझे ले जा रहा है ओ पिंक दुपट्टे वाली। अरे चल ना, आजा आजा आजा, छोड़ ना यार। डोंट वरी मैं ले ओके। बाप रे पिंक कलर कितना सुंदर है। मतलब पिंक कलर की बोतल बहुत अच्छी लग रही है यार, एक बार ट्राई करके देखूं क्या? तो, अरे मास कम से कम 2 साल तो चलेगी ना, ले लेते हैं। अबे ये कोई सेंट नहीं है, ये तो रूम स्प्रे है यार, पता नहीं क्या। पता नहीं लोग कितने पागल हैं, घर में भी सेंट लगाते रहते हैं, मुझे तो ऐसा पता ही नहीं था। अरे प्लीज यार मत जा यार। अरे यार तू, अरे मास उस सेंट के बारे में पहले तूने मुझे क्यों नहीं बताया? वाह क्या शेप है, मतलब सोप कितना अच्छा है ना।
हीरोइन लोग यही सोप यूज करते हैं ना, वो इसे जितना घिसती हैं उतनी ज्यादा सुंदर लगती हैं। उनके फिगर का राज आज मुझे पता चला यार। ये सब इस सोप की महिमा है ना। अरे चली गई, चल चल। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, उसके पीछे मत जा यार, प्लीज प्लीज मत जा। आज मैं उसे फंसा कर रहूंगा, मेरे साथ आ। सच में बहुत हॉट है गुरु, क्योंकि ये गुंटूर मिर्ची है ना, एक बार अगर इसे चख लो तो हार्ट बीट पड़ जाती है, अगर एक बार इसकी स्मेल भी ले लो ना तो पसीने छूट जाते हैं। मामूली मिर्ची और गुंटूर की मिर्ची में बहुत अंतर है। अगर अभी इतनी हॉट है तो जवानी में कैसी होगी हैं? सुनिए आपकी एज क्या है? मतलब ये कितने गेज की है? ये कितने गेज की है? इडियट। अरे मास, देख वो जा रही है, देख वो जा रही है, मुझे छोड़ना, छोड़ मुझे। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? ऐसा लग रहा है कि आप मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। क्यों बे, लड़कियों को छेड़ता है? तूने मुझे इतना क्यों मारा? अरे बाप रे, उसके बाद क्या हुआ जी? आ? उसके बाद देखो, मास ने कोशिश कर करके उसकी ऑडी में अपनी चाबी फिट कर दी, और अपनी कल्पना भी अभी के करीब आने की कोशिश करती रही। कल्पना अभी के पीछे पागल और अभी पढ़ाई के पीछे पागल। हाँ, और हमारे राहुल भाई साहब अपने गिटार की नई नई धुन बजाकर मनीषा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहा, और उसके माँ बाप उसके ऊपर अपनी जान छिड़कते थे, चाहे वो बीकॉम का फिजिक्स हो या बीटेक का सिविक्स हो। वो किसी भी चीज के लिए पैसे मांगता तो उसके पापा उसको दे देते थे, और उन पैसों को खर्च करने के लिए उसके पास बहुत प्लान थे। वीकेंड पर गोवा जाकर मसाज करवाना और पब क्लब में जाकर मजे करना, सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था। अचानक एक प्रॉब्लम आ गई। तुम कॉलेज किस लिए आते हो? सिर्फ कैंटीन में चाय पीने के लिए या फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए? इतना दिखावा करते हो जैसे किसी बड़े बाप की औलाद हो। फटीचर कहीं के, अपने बाप की इज्जत का तो ख्याल करते। प्रिंसिपल साहब ने हमारे मास को उसके बाप के सामने ही बहुत डांटा, और अपने गिटार मास्टर ने तो एग्जाम मिस करके एक रिकॉर्ड ही बना दिया। उसके बाप को यह कारनामा पता चल गया, उसके बाद क्या हुआ देखो। हे डैड, व्हाट्स अप? तुम्हारे कॉलेज से मुझे फोन आया था। मतलब डैड, वो क्या है कि तीन साल तक मैंने तुम्हारे एग्जाम्स के बारे में क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मैं तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता हूं, लेकिन तुमने एग्जाम मिस करके मेरा अपमान किया है। मैंने सोचा था कि मैं तुझ पर कभी गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन अब मुझे तुझसे नफरत हो रही है। तेरी मां के जाने के बाद मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, तेरी जरूरत से ज्यादा मैंने तुझे पैसा दिया। शायद यही मेरी गलती थी, मैंने भरोसा किया और तूने धोखा दिया। ए, मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, निकल जाओ यहां से। डैड, निकल यहां से, चला जा यहां से, जा, चल। यहां से राजा। कौन था वो? ओ, अच्छा वो तो मेरा फ्रेंड है। मैं तुम्हें मॉर्निंग से फोन लगा रहा हूँ, लेकिन लगा क्यों नहीं? ओ, फोन स्विच ऑफ हो गया था, सॉरी मैंने देखा नहीं। मूड ऑफ ना हो करके तुमने खुद ही स्विच ऑफ किया था ना?
ए, ये तुम क्या बोल रहे हो? आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? उसके बाइक पर क्यों बैठी थी? उसे हग क्यों किया? मेरी मर्जी, मेरे डैड ये सब नहीं पूछते हैं। तुम कौन होते हो ये सब पूछने वाले? अरे मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। ओह अच्छा, तो जरा बताओ तुम क्या सोचते हो? यही ना कि एक कारपेंटर का बेटा कॉर्पोरेटर की बेटी से शादी करने की सोच रहा है, ये शादी के कार्ड में लिख के पूरे कॉलेज में बंटवा दूं क्या? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो सोनी? वो और तुम सब एक जैसे हो, मेरे लिए हक करना नॉर्मल है, लेकिन ये बात तो मिडिल क्लास मेंटालिटी वालों को समझ नहीं आएगी। अगर तुमको लगता है कि ये प्यार है तो आई एम सॉरी। बाय द वे, मैंने तुम्हें बताया नहीं ना, मेरे डैड ने मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है, सो गुड बाय। अरे ओ मुन्ना, तुमने कहा लड़कियों के बारे में तुम कुछ नहीं जानते, पर लगता है अब तुम अच्छे से जान गए हो। देखो लड़कियां ऐसी ही होती हैं, जो पहले से सेटल होता है उसके साथ सेट हो जाती हैं, और जो फेल होता है उसे फूल बना देती हैं, दिमाग से खेलती हैं वो। देखो ऐसा करो, अपने बाप से पैसे लेकर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें एक अच्छी सी जॉब दिलवाता हूँ, उसके बाद बस 6 महीने में उस लड़की के सामने जाकर उसे सीधा आई लव यू बोल देना, मेरा दावा है कि वो पक्का मान जाएगी। देख पढ़ाई छोड़ने की बात की तो जान से मार डालूंगा, अब तक तूने जो किया वो बहुत हुआ, धोखा दे दे के हमसे पैसे मांगता रहा, चल जा जा। क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हो? ये घर अब हमारा नहीं रहेगा, सब कुछ लेने देने के बाद सिर्फ 5 लाख बचेंगे, वो उसे ही दे देना, उसे एक अच्छी नौकरी चाहिए। अगर उसकी नौकरी लग गई तो इससे भी बड़ा घर खरीद लेंगे। उस दिन मास बहुत ही दुखी था, हमने कभी सोचा नहीं था कि मास अपनी लाइफ में कभी ऐसा भी करेगा। ए, क्यों किया तूने ऐसा, बोल भी कुछ। पहले इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी, अब चुपचाप सोया है, बता क्यों किया? मुझसे कोई भी बात मत करो, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। हम लोग उनमें से नहीं है कि जब हमारे सामने प्रॉब्लम्स आए तो हम उसे छोड़कर भाग जाएं, हम फ्रेंड्स हैं यार। क्या बच्चों वाली हरकत की है यार, एक लड़की के लिए अपनी जान दे रहा था तू, अपने घर वालों के बारे में तूने एक बार भी नहीं सोचा? अगर इसको इतना पता होता तो ये सब ये क्यों करता? सही कहा, पहले मैं भी ना तुम्हारे जैसा ही था, जो तुम्हारे सामने अभी खड़ा है ना वो मैं नहीं हूं। ऐसा बनने के लिए मुझे बहुत कुछ खोना पड़ा है यार। मास के हालातों से भी बढ़कर अभी ने अपनी कहानी हम सबको बताई। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जरूर चलूंगा अंकल। पढ़ाई करोगे ना? करूंगा अंकल। तो चलो मेरे साथ। उस पुलिस वाले ने मुझे एक बाप का और उसके बेटे ने मुझे एक भाई का प्यार दिया, हम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं किया, पर कुछ महीनों के बाद वो गुजर गए और उसके बाद मैं और उनका बेटा ही बचे, और उसका नाम है श्रीनु। प्रोड्यूसर को हमारा डेमो पसंद आया ना, तो फिल्म पक्की। डन, ऐसा ही होगा। ओके, और ये हीरो कौन होगा ब्रो? तू होगा। सुपर्ब यार, आई लव यू ब्रो। और फिल्म की हीरोइन कौन होगी? लगता है फंस गया। मैं एक लड़की को जानता हूँ, चाहो तो कल मिल सकते हो। ओके, पैक अप। कहाँ है ये लड़की, कब तक आएगी? पता नहीं। लड़कियां ऐसी होती हैं ब्रो, मेकअप की वजह से हमेशा लेट ही पहुंचती हैं। सही कहा, लड़कियां ऐसी ही होती हैं, ब्यूटी को जो इम्पोर्टेंस देती है ना, वो ड्यूटी को नहीं। Oh, oh, oh.
ए, हाँ, वो लड़की जो म्यूजिक सुनते हुए आ रही है, हमारे डेमो के लिए बिल्कुल वैसी ही लड़की चाहिए। वो तो ठीक है, पर वो देख तेरा फोन बज रहा है ब्रो। ए, ये फोन तू ही पिक कर। हेलो, हाँ अभी कहाँ पर हो तुम? पार्क में। मैं भी तो पार्क में ही हूँ, लेकिन तुम ओके, क्या तुमने पिंक ड्रेस पहनी हुई है और कान में ईयरफोन लगाया है, वही ना? हाँ, हाँ। तुम्हारा काम हो गया ब्रो, ये वही लड़की है। सच में? आपके सामने बेंच पर तीन लोग बैठे हुए हैं, वहीं आ जाइए। हाय। या ओके, चलो फाइनली मुझे एक अच्छी हीरोइन मिल ही गई ब्रो। मतलब वो डेमो के लिए हमें एक लड़की अभी मिल गई। हाँ, राइट राइट। और वो लड़की उस दिन भाई की जिंदगी में हमेशा के लिए एंटर कर गई। जब किसी को हम पहली नजर में ही चाहने लगते हैं तो उसे लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं, लेकिन तुम्हें देखते ही तुमसे शादी करने का दिल किया। हाँ, अब इसे क्या कहते हैं पता नहीं। मैं चाहता था कि मैं जिससे प्यार करूं वो एकदम ट्रेडिशनल हो, ट्रेंड फॉलो करने वाली हो। दिल की बात कहूं तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो, इसीलिए बिना फीलिंग्स को छुपाए मैंने तुरंत तुमसे बात करने की सोची। अब मेरी फीलिंग्स का क्या करना है उसके बारे में कूल होकर फैसला करना। आई लव यू। ओके, अभी यही सेम फीलिंग्स फॉलो करना। ओके ओके ब्रो। जैसे कोई सपना खोया है दिल तो अपना, सांसें जैसे तेरी ये जान लेती है मेरी, सीने में आके चुभती ऐसे तू यारा हंसती। तुझको यारा अब सनम मैं तो ना कभी भुलाऊंगा, आए जाए कोई मौसम मैं तो तुझको ही चाहूंगा, मैं तो तुझको ही चाहूंगा। से तू यारा मिल गई बदली है जिंदगी, तेरे आस पास दिल है रहता अब भाता कुछ भी नहीं। जब से तू यारा मिल गई बदली है जिंदगी, तेरे आस पास दिल है रहता अब भाता कुछ भी नहीं। तुझ पे ही दिल है ये मरता दिखता है कुछ भी नहीं, तेरे ही ख्वाब है सारे अपना कुछ नहीं। जब से यारा तू मिला हम तो अब कुछ भी चाहे ना, करना चाहे कुछ भी यहाँ मन माने ना तेरे बिना। तस्वीर है तू माने क्यों नहीं, मैं तो
तुझसे यारा क्या कहूँ, तू है मेरी बंदगी, मेरे दिल में तेरी तस्वीर है, तू माने क्यों नहीं। तू ही तू मुझको है देखता और कुछ भी सूझे नहीं, तुझको दुनिया में ढूंढ ले दीवाना मुझसा नहीं। गौतमी मेरी है तू ही मेरी, ओ गौतमी तू ही है जान मेरी। Hi. I have a surprise for you. तू ही है जान मेरी। And this one, हमारी short film का demo. Thank you so much. So let's go. Yeah. So what next? What next? क्या करना है? मैं movie के लिए try करूँगा. तुम तो job के लिए try कर ही रही हो. By the way, मुझे तुमसे एक बात कहनी है. कहो ना. मुझे job मिल गई. Oh, congrats. Thanks. हमारी शूटिंग बहुत अच्छी रही, मैंने बहुत enjoy किया. I mean, I'm really happy about it. Thank you. भाई के मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे, एक तरफ उनका करियर था और दूसरी तरफ उस लड़की से दूर जाने का डर. भाई बहुत confused हो गए थे. और उसके बाद भाई ने एक कहानी लिखनी शुरू कर दी. उन दोनों के बीच की दूरियां उनके दिलों को दूर नहीं कर पाई. और उस दिन भाई की कहानी उस प्रोड्यूसर को बहुत पसंद आई. अपनी हैप्पीनेस बताने के लिए भाई सीधे उस दिन गौतमी के पास पहुंच गए. आज मैं बहुत खुश हूं गौतमी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा खुश. जब हम बहुत खुश होते हैं ना, मतलब बेइंतहा खुश होते हैं, तब ये बात हम किसी अपने से ही शेयर करते हैं, इसीलिए तुम्हें कॉल किया. सच में काफी खुश लग रहे हो तुम. या आई मीन मेरी मेहनत रंग लाई, हमारा डेमो प्रोड्यूसर को पसंद आया, मुझे फिल्म करने का मौका मिला है. इट्स अ प्योर लव स्टोरी. कैसी लव स्टोरी? क्या उसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे से मिल पाते हैं? या ऑफ कोर्स, आई मीन ऑब्वियसली मिलते हैं. हैप्पी एंडिंग जो है. हैप्पी एंडिंग, हर लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है शिनू, कुछ कहानियां अधूरी ही रह जाती हैं. कैसी बातें कर रही हो? ऐसे ही. हाँ ठीक है फिर. कुछ कहना है तुम्हें? अगर मैं तुम्हें खुशी नहीं दे सकती तो मुझे दुख देने का भी अधिकार नहीं है. क्या हुआ गौतमी, आज तुम अजीब बातें कर रही हो? अब बहुत देर हो चुकी है, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है. किसी बात को समय पे एक्सप्रेस ना करें तो वो बात एक्सपायर हो जाती है. प्यार मतलब एक्सप्रेस करने वाली चीज है ना, एक्सप्लेन करने वाली नहीं है गौतमी, वो हमारे अल्फाजों से और बर्ताव से समझ में आता है. तो फिर तुम मेरे घर वालों से बात करने में इतना डरते क्यों हो? किसी ने सच कहा है, प्यार करने के लिए हिम्मत चाहिए, वो भी जिससे प्यार करते हैं उससे कहने के लिए नहीं, बल्कि उसके पेरेंट्स से कहने के लिए. आज तक तुम्हारे घर वालों से मैंने बात क्यों नहीं की जानती हो? प्यार करने वाली लड़की को प्यार में प्योरिटी चाहिए, और वहीं उसके पेरेंट्स को तो लाइफ लॉन्ग श्योरिटी चाहिए. वो अभी मैं नहीं दे सकता. तुम राइटर हो शिनू, इसीलिए कन्विंस कर लेते हो, लेकिन तुम्हारे लाइफ में प्यार का क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं नहीं समझ सकती. तुम मेरी जिंदगी में आई तो मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई. तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने आप से मिल रहा हूं. जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा
तो मानो मेरे दिल को जैसे सब कुछ मिल गया हो। मैंने लिखना शुरू किया, एक कहानी पूरी की। मैंने कौन सी कहानी लिखी है जानती हो? मेरे और तुम्हारे मिलने के बाद जो बेहतरीन वक्त गुजरा वही। तुम्हारे बिना मैं इतने दिन कैसे जिया पता नहीं। अब तुम साथ नहीं हो तो कैसे जीऊंगा पता नहीं। I love you, Shino. But I miss you, Gautami. प्यार कोई ऐसा सफर नहीं है जो एक नहीं तो दूसरी ट्रेन से पूरा किया जाए। प्यार कोई सफर नहीं है गौतमी, प्यार एक वादा है। सच में अगर मैं तुम्हारे दिल में होता तो तुम कभी भी इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती, मेरे लिए वेट करती। मेरा प्यार तुम्हारे लिए वेट कर सकता है, लेकिन मेरे घर वाले मेरे लिए वेट नहीं कर सकते। प्यार के लिए जो चाहिए वो इंतजार नहीं, भरोसा है। मैंने एंगेजमेंट अवॉइड करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था शीनू, और मैंने उन्हें हमारे बारे में बता दिया। पापा ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा, मैंने बताया कि तुम फिल्मों में ट्राई कर रहे हो। मम्मी को अचानक हार्ट पेन शुरू हुआ, किसी दवा ने कोई असर नहीं किया, लेकिन एंगेजमेंट के लिए रेडी होने पर उनकी तबीयत ठीक हो गई। अपनी मम्मी पर मुझे बहुत भरोसा है। अभी भी देर नहीं हुई है शिनू, तुम आकर घर वालों से बात करो, वो राजी हो जाएंगे। अब आकर बात करूंगा तो तुम्हारे पेरेंट्स को तकलीफ होगी। पेरेंट्स है ना, वो ऐसे ही होते हैं। तुम्हें एक बात बताऊं गौतमी, लाइफ में जो सेटल होता है ना, बस वही पेरेंट्स के लिए हीरो होता है। और अगर सेटल ना हो तो हीरो भी उन्हें जीरो लगता है। लव इज नॉट जस्ट अ फीलिंग गौतमी, इट्स ऑल अबाउट केयरिंग एंड शेयरिंग। बट मुझे शादी लायक बनने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है शीनू। तुम्हारे पास टाइम नहीं और मेरा टाइम सही नहीं। तो फिर अब मैं क्या करूं? यही बात तुम्हें मुझसे तुम्हारी सगाई तय होने से पहले करनी चाहिए थी, सगाई तय होने के बाद नहीं। गौतमी, मुझे तुमसे जो कहना है वो सुन तो लो। तुम फोन क्यों कट कर रही हो? दोबारा फोन मत करना, दो दिन में मेरी शादी है। गुड बाय। भाई की ऐसी हालत मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उस दिन मैं समझ गया कि भाई जैसे मैच्योर आदमी भी प्यार में पागल हो सकते हैं। गौतमी की शादी वाली बात को भाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी मूवी कहीं हाथ से ना निकल जाए, इसलिए मैं सीधा वहां से शहर गया और जाकर प्रोड्यूसर से मिला, और प्रोड्यूसर मेरी बातों से कन्विंस हो गया। ये गुड न्यूज लेकर जब मैं वापस आ रहा था तभी मुझे एक कॉल आया। Thank you.
लाइफ में सक्सेस होने के बाद सोचा था अपना प्यार पालूंगा, लेकिन मैंने प्यार को खो दिया क्योंकि मैं सक्सेस नहीं था। मैं जानता हूं कि अब वो मेरी जिंदगी में नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में उसे नहीं खोया बल्कि मैंने जिंदगी ही खो दी है। उसके साथ मेरा दिल धड़का करता था, बगैर उसके अब मेरे दिल की धड़कनें बंद हो चुकी हैं। तुम्हारी जिंदगी में ऐसी बदनसीबी भी ना आए। आई मिस यू ब्रो। उस दिन मैंने सोचा कि मेरे भाई की तरह प्यार में किसी की जान नहीं जानी चाहिए। प्यार का मतलब जिंदगी देना होता है, ना कि जिंदगी को छीनना। अरे अभी तू इतना खुश रहने की कोशिश करता है, तेरे अंदर तो बहुत दर्द है। तुम लोग रो क्यों रहे हो? मेरे घर वालों को मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, फिर भी मैंने ये गलती की। पढ़ाई करने के समय पढ़ाई नहीं की, और अब मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन अब टाइम नहीं है। सच में यार, हम सबके एग्जाम सर पे हैं और इस वक्त ये सब हो गया। इस हालत में मैं एग्जाम नहीं दे सकता यार। ए, तू एग्जाम देगा और एग्जाम में पास भी होगा। हाँ, लेकिन कैसे, वो भी इतने कम टाइम में? पर कैसे? राजा का एग्जाम मैं लिखूंगा और मेरा एग्जाम राजा लिखेगा। ए, तब तो तू फेल हो जाएगा यार। मुझे परवाह नहीं है, दोस्ती के लिए तो इतना कर सकता हूँ ना। फाइनल एग्जाम शुरू हो गए और मेरी चिंता और कंफ्यूजन बढ़ने लगा। दिन पर दिन मेरी टेंशन भी बढ़ने लगी। मुझे अपने पास होने की चिंता नहीं थी, अभी मास का एग्जाम लिख रहा था और मास अभी का एग्जाम लिख रहा था, इसीलिए मुझे उन दोनों की टेंशन थी। कल्पना को भी मेरी ही तरह चिंता हो रही थी। अरे ये क्या, मास क्या लिख रहा है? कॉलेज में फर्स्ट आना चाहता है क्या? जरा दिखा तो सही। अरे क्या है रे? उसकी कॉपी से नकल मत कर। क्यों? वो सातवीं बार एग्जाम दे रहा है। अच्छा, तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं खुद आठवीं बार दे रहा हूँ। मेरे आसपास महान लोग ही बैठे हैं क्या? अरे तू सर के बैच का है क्या? कैसी बात कर रहा है यार? वो तो मेरा जूनियर है। इन गधों की नकल करने से तो अच्छा है कि मैं बिना लिखे ही चला जाऊं। जय प्रजा देवी। अरे बाप रे, स्क्वाड। स्क्वाड कौन है? उस देवी ने मुझ पर रहम दिखाया और मैं बच गया। आखिरकार जैसे तैसे करके मैंने एग्जाम पूरा किया। ए, तू गिटार लेकर मुंह लटका कर क्यों बैठा है? ए, क्या बात है यार, क्या कंपटीशन के लिए राहुल तू रेडी नहीं है? मैं कंपटीशन में नहीं जाऊंगा। क्यों? कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा मुझमें। मैंने अपने घर वालों के साथ धोखा किया यार, जो मेरे दिल में आया वही किया। मैंने घर वालों की बात कभी सुनी ही नहीं, एक दिन भी कॉलेज अटेंड नहीं किया, अपने फ्रेंड जैसे डैडी को चीट किया। मैं चाहे जीतूं या फिर हार जाऊं, इससे कुछ बदलने वाला नहीं यार। देख, क्या तू फिर से वही गलती करने वाला है? इंसान की लाइफ में सक्सेस सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, जिंदगी में भी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिला कलेक्टर का नाम भी नहीं जानते,
लेकिन हर कोई सचिन तेंदुलकर को, एआर रहमान को, गली का बच्चा बच्चा अच्छे से जानता है। उनके पास टैलेंट था, उन्होंने उसका यूज किया और आज वो इतने ऊंचे मकाम पर हैं। देख तेरे अंदर भी टैलेंट है, उसका इस्तेमाल कर, तू जीत जाएगा भाई। हम सबको कहेंगे कि हमारा दोस्त सेलिब्रिटी है। ज्यादा सोच मत, गिटार उठा, शुरू हो जा। उस दिन अभी की बात सुनकर राहुल में एक चिंगारी भड़क उठी और उसके बाद राहुल ने वो म्यूजिक कॉम्पिटिशन जीत लिया और वो सबका रॉक स्टार राहुल बन गया। पेपर्स में और टीवी में उसका नाम हर जगह छा गया और इस बात का पता चलते ही उसके बाप को भी बहुत खुशी हुई। हाय डैडी, मैंने कंपटीशन जीत लिया है। आप मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे लेकिन मुझे कभी म्यूजिक के लिए नहीं मना किया। ये सक्सेस आपकी है डैडी, क्योंकि मेरी लाइफ आपकी है। लेकिन कॉलेज ना जाकर मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। आई एम रियली वेरी सॉरी डैड। सॉरी बोलकर अपनी गलती से भाग रहे हो, इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। जाओ और मेरी बहू को लेकर आओ। डैडी। बेटा। वो रिजल्ट का दिन था, अभी और मास बहुत टेंशन में थे। अरे भंडारे का प्रसाद खाने की तरह भीड़ लगा कर खड़े हो रहे, साइड में हो जाओ। देखना भाई, हटो ना। हे भगवान, अगर मैं पास हो गया तो आपको बहुत बड़ा चढ़ावा चढ़ाऊंगा। चल हट रे, भाग हट रे, चल। कल्पना, तू पास हो गई है। अरे बाप रे, बेगम भी पास हो गई है। कल्पना, तू फिर से पास हो गई। अरे शंकर, हमारे ब्रांच में फर्स्ट कौन आए ये पहले देखो। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। अरे अभी क्या यार, मैं तुझे कॉलेज में ढूंढ रहा हूँ, तू यहाँ पर खड़ा है। अबे वो सब छोड़, ये बता तूने हमारे रिजल्ट देखे कि नहीं। अबे क्या हुआ बोलना। तू फिर से फर्स्ट आ गया यार। अबे सच बताना। अरे भाई मैं सच बोल रहा हूँ, तू खुद ही देख ले, ये ले देख। हा? 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 ये कैसे हो गया यार। मैं अपने पेरेंट्स के लिए तो स्टडी नहीं कर पाया लेकिन मैंने तेरे लिए स्टडी की यार। तो तू फर्स्ट क्यों नहीं आया। इस कॉलेज में हमेशा यही फर्स्ट आना चाहिए। हा? यही फर्स्ट आना चाहिए। देखो मेरा बेटा इंजीनियर बन गया। सुनो बेटा, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है। हा? लड़की ढूंढी है? मुझे नहीं करनी अभी शादी वादी, असल में मुझे शादी करनी ही नहीं है। ये बात उस लड़की को देखने के बाद बोलना, वो भी इंजीनियर है। पापा अगर ये लड़की है तो शादी के लिए मैं अभी के अभी तैयार हूँ। ए, उस दिन तो तुम्हारी एंगेजमेंट तय हो गई थी ना। Actually, that day I told... ए, रुको। वो क्या है कि मैं इंग्लिश में वीक हूँ ना, तो हिंदी में बताओ। You? आज मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने की वजह आप हैं मैडम। जब मैं नकल कर रहा था तो आपने मुझे छोड़ा क्यों? मर्दों का बर्ताव तो हमारे लिए ऐसा ही रहता है, लेकिन मैं उसकी वजह से किसी का करियर बर्बाद नहीं कर सकती, इसलिए माफ किया। मैं तो एक अनाथ हूँ मैडम। मैंने औरतों में हमेशा सुंदरता ही देखी है लेकिन कभी उनकी इज्जत नहीं की, लेकिन आपको देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या बात है सर, बताइए। आज मैंने म्यूजिक कंपटीशन जीत लिया है और इसी बात को शेयर करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। मैंने टीवी पर देखा सर, कांग्रेट्स। हे, मुझे सर्वर मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। ओके सर। मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? ये नहीं हो सकता सर। क्यों? मेरे अब्बा ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मैं अपनी सिस्टर जैसी गलती नहीं कर सकती हूँ सर। तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ।
और अपने इस प्यार को साबित करने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। क्या ये सीनियर को रिस्पेक्ट नहीं दे रही हो, उसका नाम लेके बुला रही हो? तुम मेरे सीनियर नहीं हो, मैं पहले से जानती हा? थी। तुम जानती थी? तुम मेरे लिए अपनी जान देने चले थे, पागल हो गए हो क्या? मुझे स्विमिंग आती है यार। चीटर। मास हा? अभी कहाँ है? फोन किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है, वो कहाँ गया होगा पता नहीं। ए, ये तो अभी का फोन है यार। अभी का है? उठा 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 उठा, जल्दी बात कर। हेलो, सॉरी यार, मैं तुमको इन्फॉर्म किए बिना ही यहाँ से जा रहा हूँ। अरे ये कैसी बातें कर रहा है तू, कहाँ है तू अभी? देख, असल बात ये है कि मैं कल्पना से प्यार नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे उससे प्यार हो गया और अब उसके बिना एक पल भी गुजारना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है यार। अगर मैं वहां रुकता तो उससे प्यार का इजहार कर बैठता, इस बात का डर था मुझे। उसकी मम्मी उसकी शादी किसी अच्छे घर में करवाना चाहती है, कल्पना की फैमिली हमेशा से अकेले ही रही है, और तू ही बता मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अनाथ हूँ, मेरी तो कोई फैमिली ही नहीं है। सच्चाई तो ये है कि मेरी किस्मत ही खराब है, जिससे भी मैंने बहुत ज्यादा प्यार किया है वो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। But I truly love her, यार। I miss you all. Bye. उसके आसपास तो काफी लोग हैं, लेकिन वो अंदर से काफी अकेली है। अगर तुम्हारे मन में उसके लिए कोई प्रेम है तो उसे भूल जाओ। अगर तुमने उसके बारे में कुछ सोचा है तो वैसा कुछ नहीं होगा। उसे दोबारा याद मत करना। उसकी जिंदगी मुझ जैसी नहीं होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ उसकी शादी अच्छी जगह हो, एक अच्छा खासा परिवार मिले। इसलिए प्लीज आगे से उसे डिस्टर्ब मत करना। से इतना प्यार करके तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? हाँ, एक लड़की कभी भी एक अच्छा परिवार नहीं ढूंढती है, बल्कि अच्छे दिल वाले को ढूंढती है। आई लव यू। अभी क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ये सब कैसे पता चला? यही ना, फोन पर मैंने सारी बातें सुनी। अरे यार तू ये क्या कह रहा है, कहाँ है तू? आगे की स्टोरी बताइए ना। वही क्लाइमेक्स में सारे लोग सेटल हो गए और मेरी शादी तुमसे हो गई, और यहाँ इस चोर की वजह से मैं अपनी सुहाग रात नहीं मना पा रहा हूँ। कहानी बहुत अच्छी थी। किस बात का थैंक्स रे? कुछ नहीं भाई, रात में मैंने सोचा दो पैक मारने के बाद तुम्हारे पलंग के नीचे घुस के सो जाऊंगा, लेकिन बिना बोर किए तुमने जो कहानी सुनाई उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। सिस्टर, ये सुहाग रात मनाने के लिए बहुत उतावला है, तुम्हें इसे कंट्रोल करना है। तुम दोनों की जिंदगी में खुशियों की खलबली हो, करेंसी नोट की कभी कोई कमी ना हो। अब अपुन चलता है, ऑल द बेस्ट। कहाँ गया? कहीं छुप गया? गायब हो गया। गायब हो गया? अच्छा भाई, तो रात को ये सब हुआ? हाँ यार, मेंटली बहुत टॉर्चर हुआ और फिजिकली बाप रे डैमेज हो गया। अरे क्या कहा, पहली रात बहुत ही मजे में कटी क्या?
वैसे तुम्हारा गाल लाल क्यों लग रहा है? वो क्या है कि पंडित जी रात में, अब मैं इसको क्या बताऊं, मेरी बीवी ने मुझे किस किया। ओहो, बड़ा कस के किस किया है। मतलब तुम्हें लगता है कि मुझे किस और किक में फर्क नहीं समझ में आता है? लगता है इसी का श्राप था। मैंने मेरी जिंदगी में ऐसी हालत बहुत सों की देखी है। पंडित जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी नैया पार लगाने का कोई रास्ता बताइए। तो मेरी 1100 रुपए की दक्षिणा तैयार रखो। 1100 रुपया ही नहीं पंडित जी, ये लो 2000 रुपए रखो और मेरी पनौती दूर करो। अब देखो ऐसा है, मैं अपनी दक्षिणा लेने के बाद कुछ भी ज्यादा अलग नहीं बोलता हूँ। अगले 3 हफ्तों के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। 10 तारीख निकल चुकी है, अगली 10 तारीख तक इंतजार करो, तब तक ब्रह्मचर्य पालन करो। मतलब आज के दिन सुहागरात नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती। कैसे नहीं होगी? ये कौन है? बेवड़ा फिर से आ गया मेरे सिर पर। कौन हो भाई तुम? तेरे को क्या लगता है उसकी रात बर्बाद करने का कारण कौन है? इट्स मी। हाँ यही था। ओहो, वो महानुभाव तुम ही हो। सिस्टर, सॉरी सिस्टर, अपुन तुम दोनों के वास्ते ताजे फूल और दूध लेके आए। तुम दोनों की सुहागरात के लिए अपुन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब मस्ती करो, अभी अपुन चलता है। बाय। वो सब तो ठीक है, लेकिन अपुन के दिमाग में एक छोटा सा डाउट है। क्यों रे? पूरी फिल्म तो देख ली, अब कैसा डाउट है तुझे? अब याद आया, जिसकी वजह से तूने इंजीनियरिंग पास की, वो कैरेक्टर क्या है? हाँ सही कहा। क्वेश्चन नंबर 1, यह तूने उसे अपनी शादी में बुलाया? अरे, उसको तो नहीं बुलाया शायद। क्वेश्चन नंबर 2, क्या उसने तेरी शादी का खाना खाया? अरे नहीं खाया। अब उनको ऐसे मत देखो, उससे पूछो। क्यों रे, तूने इन्हें बताया नहीं? क्या नहीं बताया जी? कुछ नहीं। दोबारा से पूछो। क्या बात है, बताइए ना, क्या नहीं बताया? कुछ नहीं बोला ना। मुझे जानना है, बताइए ना। मैंने जिस पर लाइन मारी थी उसकी बेटी से मेरी शादी हो गई। बाप रे। क्या काम से? देखा ना, मेरी माँ पर लाइन मारते थे ठरकी कहीं की। अरे